नमस्ते, मैं अनुराधा रेड्डी, इंटैक्ट को कन्वीनर तेलंगाना, इंटैक्ट कन्वीनर हैदराबाद। सबको मेरा सलाम, नमस्ते और वेलकम टू दिस शॉर्ट प्रोग्राम। आज एक रिक्वेस्ट के लिए यहाँ आपके सामने आई हूँ। हमारा जो बिल्ट हेरिटेज है तेलंगाना में, इसको हम लोग इनहेरिट किए हैं हैदराबाद स्टेट से। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, मॉस, दरगाह, टेंपल्स, चर्चेस, जो जो है सब हमारे पास है। मालूम होना चाहिए कि अजंता एलोरा भी 1956 तक हम लोग प्रोटेक्ट किए, उसको आज यूनेस्को अवार्ड मिला है। मेरे ख्याल में हमारे पास जो मॉन्यूमेंट्स है, जो कल्चर है, पूरा सबसे अच्छा, जो बेहतर, जो ब्यूटीफुल, जो यूनिक है, ऐसी चीज़ हमारे पास है। होते होते जो हैदराबाद स्टेट में 650 मॉन्यूमेंट्स के करीब खाली प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट आर्कियोलॉजी, हैदराबाद स्टेट आर्कियोलॉजी, वो आंध्रा में मिक्स होके फिर अभी जो हम लोग तेलंगाना स्टेट में है, अभी प्रोटेक्शन में तेलंगाना स्टेट आर्कियोलॉजी के 350 मॉन्यूमेंट्स है करीब। इसके अलावा ASI जो सेंट्रल आर्कियोलॉजी है, उनके पास 8 मॉन्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा बहुत सारे हैं जो पहले का हुडा और आपका HMDA का भी प्रोटेक्शन है, उस पर हाई कोर्ट प्रोटेक्शन भी है। मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं बहुत जगह, बहुत कंट्रीज, बहुत म्यूजियम्स, बहुत जगहों को देखी हूँ, फोटोग्राफ भी कर रही हूँ, मैं समझती भी हूँ, अपने पास जो है किधर नहीं, तो गुजारिश है इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगा तेलंगाना में, हमारे मॉन्यूमेंट्स को डिमोलिश मत कीजिए। उसको कोई बना सकता, और उसका मेंटेनेंस भी निग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि उसको रिपेयरिंग भी सही तरीके से नहीं करना। हम लोग पब्लिक में लास्ट 30 ईयर्स से प्रोटेक्शन में हैं। अगर किसी को कुछ रिनोवेशन बोल के, कंजर्वेशन बोल के, रेस्टोरेशन बोल के देते हैं, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। सीमेंट का यूज़ होता है, अलग अलग मॉडर्न मटेरियल्स होते हैं। हाल में मैं देखी हूँ एक कुतुबशाही हाउस, उसको मॉडर्न बना दिए, तो कुतुबशाही जाके होते हुए अभी कौन सा शाही हो गया नहीं मालूम। अपने लिए सारी एक शौक नहीं है हेरिटेज, ये हमारे लिए एक इकोनॉमिक बेनिफिट है लोगों के लिए, क्योंकि आप कभी भी सैटरडे संडे हॉलीडेज में 4 मिनट जाते हैं, वहाँ इतना क्राउड आता है सब कंट्रीज में से, सिटी में से, स्टेट में से, नेबरिंग स्टेट में से, इतने लोग आते हैं, इतने लोग क्यों में ठहरते हैं, क्यों आते हैं। सोचना चाहिए कि इसमें कुछ हिस्ट्री है, तारीख है, और ये यूनिक चीज़ है, इसको बचा के रखना चाहिए। खाली ये नहीं है, हमारे तालाब भी, मैं जो देख रही हूँ इन 30 सालों में जितने तालाब ख़त्म हो गए हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी जो स्टेट आर्कियोलॉजी, उसको तेलंगाना हेरिटेज बोलते हैं, उसको ना फंडिंग है, ना सिक्योरिटी है, ना प्रॉपर टेक्नोलॉजिकली क्वालिफाइड स्टाफ है, ये भी ज़रूरी है। अब देख लीजिए एग्जांपल, छोटे छोटे कंट्रीज, कैम्बोडिया, वियतनाम, बाली, ऐसे जगहों में हमारे पास जो जितना है नहीं है उनके पास, जो भी है उसको हिफाजत से, प्रॉपर मेंटेनेंस से लेके, उनका टूरिज्म कितना लेवल में है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं देखने, इसमें बेनिफिट है लोगों को। डिमोलिश करने से लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है, प्रोटेक्ट करके सही तरीके से रखने से जो नॉलेजेबल क्वालिफाइड टूरिस्ट आएंगे, यहाँ रहेंगे, इससे बेनिफिट किस किस को होगा, गाइड को होगा, होटल को होगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को होगा, जो सुवेनियर्स बेचते हैं उनको होगा, फूड इंडस्ट्री उनको होगा। मैं खुद देखी हूँ 4 मिनट के बगल में एक चाय का इस्टेब्लिशमेंट है फुल, ऐसे लोग बेनिफिट जो है पब्लिक को आएगी। और एक चीज़ मैं डिस्ट्रिक्ट में देखती हूँ, हमारे तेलंगाना के, मेरे तेलंगाना के, हम बोलने से वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए मैं मेरा बोल रही हूँ। डिस्ट्रिक्ट में कहीं जगह इंडस्ट्री नहीं है, लोगों के लिए जॉब नहीं है, मगर भर के हेरिटेज साइट्स है, फोर्ट्स है, बावली है, बहुत सारी चीज़ें, उसको प्रमोट करने से लोकल पब्लिक को फायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, जॉब्स भी आएंगे उनके लिए, और उनके लिए खास क्या है,
अहमियत के अपने रूम अपने घर में रह के अपनी जगह में रह के भी जॉब कर सकते हैं। दूसरी जगह में जाके रिवर साइड इधर उधर कब्जा में कॉलोनी में जाके बसने का ज़रूरत ही नहीं आएगा, उनके घर में रह के वो लोग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ हाथ जोड़ के, हमारा तेलंगाना मेरे तेलंगाना के मॉन्यूमेंट्स को तोड़िए मत। और एक चीज़, जो रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स है रॉक्स पे पहाड़ों पे, वो नेचुरल है। अगर बनाए सेंचुरीज के पहले किसी खास वजह से बनाए, उसको रिस्पेक्ट करें, उसको रखें। बस ये छोड़ दें, हमारे तेलंगाना को, मेरे तेलंगाना को, मेरे हैदराबाद को डिस्ट्रॉय मत कीजिए।